यूपी में चुनाव के तीन चरण बीत गए, अब बारी चौथे दौर की है। चौथे दौर का चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच चुका है। आज चौथे चरण के प्रचार का आखिरी दिन है। यूपी में चौथे दौर के चुनावी संग्राम का मुख्य केंद्र नवाबों का शहर और यूपी की सत्ता का सेंटर लखनऊ है। लखनऊ की 9 सीटों पर बुधवार को वोट पड़ेंगे। लखनऊ में इस बार बीजेपी और एसपी दोनों के लिए साख की लड़ाई है। कल सीएम योगी और एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव दोनों ने रोड शो से लखनऊ में शक्ति प्रदर्शन किया, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रैली के लिए लखनऊ के बख्शी के तालाब इलाके में मौजूद थे। जब से उन्हें हार का डर सताने लगा है, पहले दूसरे चरण में हार हुई है, तीसरे में भी, इस बार जनता ये डबल इंजन झूठ बोलने वालों की पटरी उखाड़ने का काम करेगी। ये भारतीय जनता पार्टी हो गई है, अब भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी हो गई है। हमारी बाउंड्री और उनकी बाउंड्री एक है। अगर वो हमें देख ले रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं, तो हम भी नजर रख करके देख रहे हैं कि समय समय पर वहां से धुआं होता है। ये जो गर्मी निकालने वाले बाबा बुल्डोजर हैं, इस बार जनता इनकी भाप निकाल देगी वोट डाल करके। यूपी के चुनावी प्रचार में मुद्दों के साथ साथ निजी छींटाकशी भी तेज है। चौथे चरण का प्रचार खत्म होने से पहले कल पीएम मोदी ने अखिलेश पर सीधा निशाना साधा। पिता को मंच से धक्के देकर हटाया था, जिसे अपमानित करके पार्टी पर कब्जा जमाया था, उसी से गुहार लगानी पड़ी कि मेरी सीट बचाइए। जब मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार ही अपनी ही सीट पर असुरक्षित हो, तो हवा के रुख का पता आसानी से लगाया जा सकता है। इस चुनाव पर अखिलेश व्यक्तिगत निशाने के खासा शिकार हो रहे हैं। रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र की रैली में एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अखिलेश को औरंगजेब तक कह डाला। अखिलेश यादव आज के औरंगजेब हैं, आज के औरंगजेब जो अपने बाप का नहीं हुआ वो आपका क्या होगा। निजी हमला तेज है तो मुद्दों की भी बातें हो रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपनी रैलियों में राष्ट्रीय सुरक्षा और देश के शौर्य पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। कि भारत को जो आंख दिखाने की कोई कोशिश करेगा, तो भारत के अंदर वह ताकत है कि हम बाउंड्री के इस पार भी मार सकते हैं और जरूरत हुई तो बाउंड्री के उस पार भी जाकर मार सकते हैं। यह भारत के अंदर ताकत है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस के लोगों को बात समझ में नहीं आती है, नहीं आती है। राहुल जी तो हमारे सेना के जवानों के शौर्य पराक्रम और साहस पर सवाल या निशान लगा देते हैं। लखनऊ राजनाथ सिंह का संसदीय क्षेत्र है, लिहाजा चौथे चरण का चुनाव उनके सियासी साख से भी जुड़ा हुआ है। चौथे चरण में जिन सीटों पर वोट डाले जाएंगे उनमें रायबरेली और उन्नाव जिले की सीट भी है। कल दोनों जगहों पर कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने रोड शो और रैली की। इसीलिए ये चाहते हैं कि आप निर्भर रहें, ये चाहते हैं, ये परिस्थिति इन्होंने बनाई है कि इस राशन के बोरे के लिए आप इंतजार कर रहे हैं, और जब आपको मिलता है आप सोचते हैं कि बहुत बड़ा काम किया है सरकार ने, कुछ नहीं किया आपके लिए, कुछ नहीं किया है आपके लिए, ये मिलावटी राशन देके आपको कुछ नहीं किया है। जो काम करना चाहिए था, जो रोजगार देने चाहिए थे, जो किसानों की मदद होनी चाहिए थी, जो ये बड़ी बड़ी बिजली की बिल आ रही है इनको कम करना चाहिए था, महंगाई को कम करना चाहिए था, महिलाओं को सुरक्षित करना चाहिए था, ये काम किसी ने नहीं किया है पिछले 5 सालों में। मैं तो कहती हूँ 30 सालों में नहीं किया गया, न बसपा ने किया, न समाजवादी दल ने किया, न भाजपा ने किया। क्यों? वार पलटवार, दावे पर दावे, बस 2 दिन बाकी हैं जब 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदाता अपना फैसला ईवीएम में कैद कर देंगे। आज तक ब्यूरो।